मुझे लगता है ये टी शर्ट आप इवेंट के बियॉन्ड भी अगर पहनेंगे तो अच्छा महसूस करेंगे। ये फ्रंट है और ये इसका बैक साइड है। जिसमें आपका शिप का और सबमरीन का, डिस्ट्रॉयर का और सबमरीन का दोनों का फोटो बना है। 250 साल का सेलिब्रेशन का मैसेज है और मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स का हेडर स्टेटमेंट है, शिप बिल्डर्स टू द नेशन। मेडल में भी दोनों है, डिस्ट्रॉयर है और नीचे सबमरीन है। बहुत ही यूनिक मेडल है बनाया। ये तो 10K के लिए है, एक दूसरा है वो 3K के लिए, 3 किलोमीटर के लिए। सब थोड़ा और आइए पास में। तो ये साइड अगर आप देखोगे शिप का प्रोफाइल है और नीचे सबमरीन का बनाया है, शिप का प्रोफाइल साइड में दिया है। पीछे की तरफ मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स का लोगो है और आगे इसका इवेंट का नाम। तो आज 250 साल, ये हमारा 250वां साल है जिसमें कंपनी सक्सेसफुली सिर्फ सर्वाइव ही नहीं की है, बहुत प्रॉस्पर की है। और आज की डेट में ये एक $1 बिलियन की कंपनी है रेवेन्यूज के हिसाब से। मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स ही एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा शिपयार्ड है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है डिस्ट्रॉयर्स बनाने के लिए और सबमरीन्स बनाने के लिए। और कोई भी कंपनी भारत में डिस्ट्रॉयर्स एंड सबमरीन्स नहीं बनाता है। अगर रिसेंट ईयर्स में देखें तो हमने 2017 से लेकर के 2022 के बीच में, जो कि एक पीरियड था जिसमें कोविड भी था, ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी थी, ग्लोबली चिप शॉर्टेज भी थी, पर हमने एक के बाद एक 5 सबमरीन्स पनडुब्बियाँ इंडियन नेवी को सुपुर्द किए हैं। पिछले 3 साल में 2021, 2022 और 2023 हर साल हमने एक एक डिस्ट्रॉयर भी नेवी को सुपुर्द किया है। इसके पहले भी हमने डिस्ट्रॉयर्स बनाए हैं, सबमरीन्स बनाई हैं। और डिस्ट्रॉयर्स किसी भी नेवी के सबसे अग्रणी प्लेटफॉर्म होते हैं जो कॉम्बैट वर्दी। जो हमने अभी लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर डिलीवर किया है, जो कि 26 दिसंबर को नेवी ने कमीशन किया है ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी की प्रेजेंस में, और ऑनरेबल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी इस फंक्शन में उपस्थित थे। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और सेलिब्रेट करते हुए 250वें साल में हमको लगा कि पब्लिक के साथ में हेल्थ एंड फिटनेस का मैसेज शेयर करने के लिए एक रन ऑर्गेनाइज करने से ज़्यादा अच्छा इवेंट नहीं हो सकता। और इस रन की सफलता के ऊपर में निर्भर करता है कि हम आगे भी इसी तरह के इवेंट हर साल लेकर के आते रहेंगे। देखिए, आज की डेट में मज़गांव डॉक शिप बिल्डर्स 3 बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है। सबसे पहले है प्रोजेक्ट 75, जिसमें 6 सबमरीन्स बनाने का है स्कॉर्पिन फ्रांस के साथ में कोलैबोरेट करके। 5 पनडुब्बी हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं और एक जो लास्ट है उसमें ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है और जल्दी ही डिलीवर कर देंगे। इसमें फर्दर प्रोग्रेस में ये है कि इसी के 3 सबमरीन्स फॉलो ऑन के हिसाब से उसका डिस्कशन नेवी के साथ में चल रहा है, जिसके लिए MDL ने अपनी बिड सबमिट की है। और मुझे लगता है टेक्निकल डिस्कशंस के बाद में और प्राइस नेगोशिएशंस के बाद में ये ऑर्डर जल्दी ही फाइनलाइज हो जाएगा। जहाँ तक शिप्स का सवाल है, जहाज़ों का सवाल है, उसमें हम प्रोजेक्ट 15 ब्रावो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि 4 नंबर डिस्ट्रॉयर्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें से हमने 3 डिस्ट्रॉयर्स डिलीवर किए हैं 2021 में, 2022 में, 2023 में। और ख़ास बात यह है कि ये तीनों ही डिस्ट्रॉयर्स जो हमने नेवी को डिलीवर किए हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल डिलीवरी पीरियड से पहले डिलीवर किए हैं। जो तीसरा जहाज़ है वो लगभग 5 महीना पहले हमने डिलीवर किया है। और इसी श्रृंखला में एक चौथा जहाज़ है जो हम 2024 में डिलीवर करने का प्लान करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत हमारे पास में 4 फ्रिगेट्स हैं, जिसकी डिलीवरी 2024 से शुरू होगी और लगभग हर साल एक एक फ्रिगेट का डिलीवरी होगा। ये करंट प्रोजेक्ट्स की बात है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स जिनकी चर्चा चल रही है उसमें फ्रिगेट्स के हिसाब से 17 अल्फा का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 17 ब्रावो का डिस्कशन चल रहा है। मुझे लगता है जल्दी फाइनलाइज होगा और
इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का है, नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स का भी रिक्वायरमेंट है इंडियन नेवी को। क्षमता के हिसाब से मजगांव डॉक शिप बिल्डर सबसे केपेबल शिपयार्ड है नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को बनाने के लिए। जब ये प्रपोजल फॉर्म अप होकर के आगे आएगा तब मालूम चलेगा कि वो नॉमिनेशन बेसिस पर है या कम्पिटिटिव बेसिस पर है। तो कुछ समय लगेगा, जहाँ तक नेवी का रिक्वायरमेंट है, नेवी ने जो पब्लिकली साझा किया है उसमें 2035 तक नेवी का टारगेट है कि 175 जहाज अवेलेबल होने चाहिए। तो उसके हिसाब से नेवी की तरफ से भी काम चल रहा है और जो ऑर्डर्स हमको मिलेंगे उसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स अपनी पूरी क्षमता से उनको फुलफिल करेगा। हाँ, 75I का भी एक प्रोजेक्ट है जो मैं जिक्र करना भूल गया। 75I में 6 सबमरीन्स हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में और लिथियम आयन बैटरीज के साथ में, जो कि सबमरीन्स को पानी की सतह के नीचे रहने के लिए ज़्यादा क्षमता प्रदान करता है। इसका टेंडर नेवी ने ऑलरेडी इशू किया था और उसके अगेंस्ट में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने अपना बिड सबमिट किया है 1 अगस्त को। और इसमें क्योंकि ये कम्पिटेटिव बिडिंग है, इसमें L&T ने भी अपना टेंडर सबमिट किया है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फिलहाल टेक्निकल इवेल्यूशन चल रही है दोनों ही बिड्स की, और टेक्निकल इवेल्यूशन के बाद में जो भी वेंडर, अगर दोनों वेंडर क्वालिफाई करते हैं दोनों वेंडर, अगर एक क्वालिफाई करता है तो एक वेंडर, उनका प्राइस खोला जाएगा और नेगोशिएशंस वगैरह होंगी। तो कुछ समय लगेगा इसका इवेल्यूशन में और ऑर्डर फाइनलाइज करने में। ये 6 सबमरीन का प्रोजेक्ट है। सर, रक्षा क्षेत्र में खास करके नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी बड़ा योगदान निर्भर कर रहा है, तो अभी हम कितने परसेंट तक पहुँचे हैं? क्योंकि धीरे धीरे हम अपना बढ़ा रहे हैं, कब तक हम 100% पहुँच जाएंगे? उसमें क्या क्या स्वदेशी ही इस्तेमाल होता है? ये जहाँ तक इक्विपमेंट्स का सवाल है, इक्विपमेंट्स में शिप बिल्डिंग में लगभग 73% इंडिजनाइजेशन हमारा अचीव हो जाएगा जब तक हम ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा कम्प्लीट करेंगे। आज की डेट में जो डिस्ट्रॉयर हमने डिलीवर किया उसमें इंडिजनाइजेशन कंटेंट लगभग 72% है, और बाकी जो आइटम्स हैं उनके ऊपर में भी इंडिजनाइजेशन को लेकर के काफ़ी थ्रस्ट है, काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं और कोशिश है। इसमें जो एक डेटरेंट है वो ये चीज़ है कि वॉल्यूम्स नहीं होती हैं, इन आइटम्स की वॉल्यूम नहीं होती है, तो ग्लोबली इनके जो सप्लायर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। हर कंट्री जो डिस्ट्रॉयर्स बनाती है या सबमरीन्स बनाती है उसमें ऐसा नहीं है कि सारी कंट्रीज पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि वॉल्यूम सभी जगह पर थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड रहता है। तो कुछ आइटम्स में हो सकता है थोड़ा विलंब होगा इंडिजनाइजेशन पूरी तरह से करने में। जहाँ तक सबमरीन का सवाल है, सबमरीन में हम लगभग 32% इंडिजनाइजेशन ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, और प्रोजेक्ट 75I के लिए भी और जो 3 फॉलो ऑन सबमरीन्स हैं इसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो टारगेट है वो लगभग 60% इंडिजनाइजेशन का टारगेट है, जो कि हमें विश्वास है कि हम लोग जब तक ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे इतना अचीव कर लेंगे। कोर स्ट्रेंथ है इंडिया की डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की, फिलहाल हम देखें तो सबमरीन हमेशा से आपका क्लियर टॉपिक रहा है, काफ़ी अच्छी सबमरीन बनाई भी हैं, डिलीवर भी किए हैं और कमीशन भी हैं। लेकिन अब हमने सुना है कि टूरिज्म में भी सबमरीन का यूज़ करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट से एक MOU साइन हुआ है, उनकी तरफ से थोड़ी सी जानकारी दें कि द्वारका और बेट द्वारका के बीच में चलने वाले उस सबमरीन को लिए क्या MOU हुआ है और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी इसमें, थोड़ा बता पाए। इसमें MOU जो हुआ है, MOU में यह है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट शो किया है MDL के साथ में कोलैबोरेट करके, जिसमें MDL उनको सबमरीन्स देगा, पर ये अभी MOU स्टेज पर है। तो जब तक हमको उनकी तरफ से, गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन प्रिंसिपल अप्रूवल या ऑर्डर नहीं मिलता है, तब तक इस दिशा में हमारी तरफ से मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पर जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसमें MDL सक्षम है उस रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए, एंड जैसे जब ऑर्डर प्लेस होगा हम लोग उसके हिसाब से डिलीवर करेंगे। सर, MOU में जो बातें हैं क्या क्या कही गई है, किस तरीके से होगा, क्या उसका इस्तेमाल होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा, MOU का स्ट्रक्चर किस तरह से और किन चीज़ों की डिमांड या एस्पिरेशन रखी है? गवर्नमेंट की तरफ से जो MOU का जो रिक्वायरमेंट है वो टूरिस्ट पर्पसेस के लिए है, लगभग 100 मीटर्स की डेप्थ तक जाने के लिए। और इसमें जो उनके जो प्लान्स रहेंगे वो कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, वो गुजरात गवर्नमेंट का लुकआउट है, उसमें हमारी तरफ से कोई कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सर, उसमें स्पेस कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे जो दूसरे सबमरीन हैं? अभी वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं, अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ इतना ही है कि स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि इस टाइप का सबमरीन बनाने के लिए MDL के साथ में मिल करके। तो जब ये रिक्वायरमेंट्स जैसे जैसे फाइनलाइज होंगे एक क्लैरिटी आएगी। रेड सी से लेकर अरेबियन सी में सिचुएशन है, तो आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्रेशर या कोई सी इंटरनल ऐसी बातचीत चल रही है कि
जो भी प्रोजेक्ट्स है थोड़ा जल्दी डिलीवर करने की कोशिश करें। हालांकि जो इम्फाल था आप लोगों ने जो समय सीमा थी उसके पहले डिलीवर किया, लेकिन बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो समय से पहले डिलीवर करें। इस स्टेज पर कोई बातचीत ऐसी कोई चर्चा इसमें बिना बातचीत के भी ये हमेशा एक रिक्वायरमेंट है कि जो भी प्रोजेक्ट है वो जितना जल्दी से जल्दी डिलीवर किया जा सके, जितना जल्दी जल्दी उसकी स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज की जा सके, तो वो एक एंडेवर हमेशा ही रहता है। और हमने तीनों ही डिस्ट्रॉयर्स जो हैं समय से पहले डिलीवर किए हैं, और सबमरीन्स में भी अगर आप देखेंगे 5 साल में 5 सबमरीन जो हमने डिलीवर करी हैं वो मुझे लगता है कि अपने आप में ग्लोबल रिकॉर्ड है। तो MDL की तरफ से हर तरह से कोशिश है कि जो भी प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको समयबद्ध तरीके से करना तो एक बात है, समय से पहले करना ये हमेशा ही एक एंडेवर रहता है कंटिन्यूस। जैसा कि आपने बताया 250 साल पूरे हो रहे हैं, आप दौड़ रख रहे हैं, यही क्यों आपने चलाई है जबकि जो इतने बड़े इतना आपका ऐतिहासिक भैया, हमने एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज़ की हैं, हमने 250 वर्ष सेलिब्रेट करने के लिए MDL का स्टैम्प भी, कमेमोरेटिव स्टैम्प भी इशू किया है। जहाँ तक रन का सवाल है, रन में हमको लगता है कि एक ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हर शख्स पार्टिसिपेट कर सकता है, इसमें किसी तरह की आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, आपकी हर कैटेगरी के रनर्स, हर कैटेगरी के शख्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो कि आपके रेगुलर रनर हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मैं इस पर्टिकुलर रन की बात करूं तो अगर जो रेगुलर रनर्स हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपना पर्सनल बेस्ट रजिस्टर करने का, क्योंकि ये एक बहुत ही फ्लैट सरफेस है, लीनियर सरफेस है। जो इसमें सर्टिफिकेट इशू होगा वो 18 महीने के लिए वैलिड है, आपका किसी भी हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में एक टाइमिंग सर्टिफिकेट मिलता है। जो कुछ ऐसे रनर्स हैं जो कि पहले रन करते थे अभी किसी कारणवश छोड़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए दोबारा से अपने गोल्डन टाइम को रिविजिट करने के लिए। जो ओकेशनल रनर्स हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें दे कैन स्टार्ट टेकिंग द रनिंग मोर सीरियसली। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जब आप रन करते हैं तो आपका सारा फोकस उसी एक्टिविटी के ऊपर में आ जाता है और सारा ध्यान जो है वो अपनी अपनी बॉडी और रन के ऊपर में होता है। अगर मैं अतिशयोक्ति ना हो तो मुझे लगता है कि ये मेडिटेशन के जैसे है। और जो कभी भी रन नहीं किए हैं उसके लिए भी हमने इसमें एक फैमिली रन पार्टिसिपेट करने के लिए रखा है 3 किलोमीटर का, कि आप सभी एक नेशनल प्राइड के हिसाब से उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ में अगर हंड्रेड्स ऑफ रनर सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में भाग रहे हैं, तो जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको एंजॉय करने का, तो एक पब्लिक से जुड़ने का बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी ज़्यादा प्रैक्टिस के, हमको लगा कि ये एक इवेंट है। और बॉम्बे में मैंने देखा है कि बॉम्बे की पब्लिक में रन एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट है, तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का हमको लगा कि ये एक बहुत अच्छा इवेंट है, एक बहुत अच्छा मौका है, इसके लिए हम ये रन सामने लेकर के आए हैं।